लेट अस स्टार्ट विद कंजंक्शन। सबसे पहले कंजंक्शन, इसके नाम में ही जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या होता है? आपका रेलवे जंक्शन भी होता है ना, जंक्शन जहाँ पे ट्रेन टू वे हो जाता है, जंक्शन होता है। ठीक है, हर रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं होता है, ओके, जहाँ पे दो तीन जगह के लिए ट्रेन खुलते रहती है। तो कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब भी होता है जॉइनिंग वर्ड्स, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि कंजंक्शन तो जॉइनिंग वर्ड्स है। ठीक है, कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स होता है, जिसको हिंदी में हम संयोजक भी बोलते हैं, जोड़ना। और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, जितने भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है ना, उसमें सबसे वफादार टॉपिक कंजंक्शन है। ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन वफादारी निभाता है, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, तो बहुत वफादार है। व्हाट आई मीन टू से, तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, ये ज्वाइन करता है तो किसको ज्वाइन करता है? तो कंजंक्शन ज्वाइन करता है वर्ड को, कंजंक्शन ज्वाइन करता है फ्रेज को, कंजंक्शन क्लॉज को भी जोड़ता है, और कंजंक्शन सेंटेंस को भी जोड़ता है। ठीक है, सेंटेंस वर्ड को भी जोड़ता है, अगर हिंदी की जाए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड हिंदी होती है। कंजंक्शन शब्द को भी जोड़ता है, कंजंक्शन, ओके, हाँ एक मिनट, शब्दों के अंश को भी जोड़ता है, कंजंक्शन उपवाक्य को भी जोड़ता है, कंजंक्शन वाक्य को भी जोड़ता है। ये तो हिंदी कर दिया, इससे कुछ होने वाला थोड़ी है। शब्द, शब्दांश, शब्द सबको जोड़ता है। ठीक है, कंजंक्शन सबको जोड़ता है, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंजंक्शन वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम आखिर ये सब है क्या? इसमें से ना सिर्फ हमें समझ में आ रहा शब्द क्या होता है, ओके, ये शब्दांश है, ठीक है, और फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये सब बताइए, और बताइए कि कैसे कैसे क्या क्या जोड़ता है। तो देखो कंजंक्शन कैसे, पहले तो फ्रेज क्या होता है, चलो यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। व्हाट इज फ्रेज, लिखते जाना, ठीक है, आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। वर्ड तो सबको पता है, ठीक है, वर्ड सबको पता है, वाक्य सबको पता है, ज़्यादा प्रॉब्लम है फ्रेज और क्लॉज में। व्हाट इज फ्रेज, और सेंटेंस फ्रेज को भी जोड़ता है। फ्रेज और क्लॉज के बीच का डिफरेंस देख लो, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, फ्रेज एक वर्ड का नहीं होता है, फ्रेज दो या दो से अधिक वर्ड का होता है, शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज नो मीनिंगफुल सेंस, फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम ये क्यों नहीं मीनिंगफुल सेंस देता है? क्यों? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कर्ता और क्रिया वाला कॉम्बिनेशन नहीं होता है। किसी भी वर्ड को, किसी भी वाक्य को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का आना ज़रूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आना ज़रूरी है। बट फ्रेज के पास, फ्रेज तो सिर्फ शब्दों का समूह है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, मैं अलग अलग से आपको बताऊंगी। जैसे मैंने अगर किसी स्टूडेंट को बोल दिया ना, मैंने लिख दिया एट होम लिख दिया, और लिख दिया एट होम और एट ऑफिस, तो आप ये लिख दिया। अगर किसी बच्चे को बोल दिया ना घर में या ऑफिस में, तो आप बोलोगे मैम ये क्या बोल रहे हो, आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है। किसी व्यक्ति को जाके मैंने बोल दिया एट होम और एट ऑफिस, उसको समझ में नहीं आएगा, ये कोई वाक्य थोड़ी है, उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब लगा दूँ, ऐसा लगा दूँ, आई विल मीट, ठीक है, आई विल मीट हिम, कुछ भी है, एट होम और एट ऑफिस, अब ये सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब आ गया, ओके, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, तो अब ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया। तो आप मुझे बोलोगे कि ये क्या था एट ऑफिस, अगेला मैं बोलूँ कि एट ऑफिस है और एट होम है, ये क्या है? ये एक फ्रेज है, ठीक है, दिस इज अ फ्रेज, ठीक है। फ्रेज किसको बोलते हैं? सिर्फ शब्दों के समूह को। आपने इडियम्स और फ्रेजेस भी पढ़ा होगा ना, ऐसा मैंने लिख दिया एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी बना के रखना, तो ये भी एक इडियम है। इडियम्स और फ्रेजेस के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है, तो हर इडियम और फ्रेज का अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है। तो अगर मैं पूछूँ एट होम, ये वर्ड नहीं है, अकेला होम होता ना,
अकेला होता, होम और ऑफिस, तो ये क्या है? होम एक वर्ड है और ऑफिस भी एक वर्ड है, और इन दोनों वर्ड को कौन जोड़ रहा है? और, तो और हो गया कंजंक्शन। लेकिन यहाँ कंजंक्शन दो शब्दों को नहीं जोड़ रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन फ्रेज को जोड़ रहा है। फ्रेज फ्रेज या तो दो वर्ड का होगा या तो दो से ज़्यादा वर्ड का होगा। तो यहाँ पे जो और है, एट होम और एट ऑफिस को जोड़ रहा है, ठीक है। अभी अभी मैं बस बेसिक बता रही हूँ, उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे जहाँ जहाँ से हमारा एरर्स आता है। तो कंजंक्शन का काम होता है फ्रेज को जोड़ना, फ्रेज को जोड़ना। आई विल मीट यू एट होम और एट ऑफिस। ओके, फ्रेज में भी तरह तरह के फ्रेज होते हैं। नाउन फ्रेज होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे बस फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहे हैं। पहले मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज शब्दों का समूह होता है। फ्रेज मिनिमम दो या दो से ज़्यादा वर्ड का होता है। फ्रेज के पास मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। ओके, क्यों? क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। ये दोनों फ्रेज है, इसको मैं अकेला अकेला लिखती ना तो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, इसमें मुझे सब्जेक्ट और वर्ब डालना पड़ा मीनिंगफुल सेंस देने के, ठीक है। ओके, इतना दूर क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट इज क्लॉज? किसी भी वाक्य को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए, ठीक है, किसी भी वाक्य को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। बिना सब्जेक्ट वर्ब के मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। अब आ जाओ क्लॉज। वाक्य के छोटे अंश को ही हम क्लॉज बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, उपवाक्य बोलते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस देखना, और ये जो क्लॉज है ना, ध्यान से सुनना। फ्रेज के पास तो मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इस क्लॉज के पास ना सब्जेक्ट वर्ब होता है। इस क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम, अगर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो इसको मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए ना, इसको मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए। लेकिन कभी मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए, बट क्लॉज के पास ना सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी वो कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देता भी है, कभी कभी नहीं भी देता है। देखो कब कब देता है, कब नहीं देता है। जब भी सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, ये मीनिंगफुल सेंस देता है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिपेंडेंट क्लॉज किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको बोलते हैं, ठीक है। लिख लो, लिखो पहले। कोई आपसे पूछे कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलना कि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है इसलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, बट क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है। लेकिन ये भी है कि कभी कभी ये देता भी है मीनिंगफुल सेंस, कभी कभी नहीं भी देता है। कब देता है? जब इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। और मीनिंगफुल सेंस कब नहीं देता है? जब डिपेंडेंट क्लॉज हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता क्या है। लिख लिया है ना? लेट मी गिव यू एग्जांपल्स, ठीक है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। यस, ये सेंटेंस लिख। ही सेड दैट ही वुड कम, ठीक है। ही सेड दैट ही वुड कम। और दूसरा मैंने लिखा, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊं। ये सेंटेंस देखो, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा क्या है? ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये सेंटेंस है। अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ये एक वाक्य है, और ये वाक्य क्या से बना है? ये वाक्य ना दो छोटे छोटे क्लॉज से बना है। क्लॉज को हिंदी में हम बोलते हैं उपवाक्य। वाक्य के ही छोटे अंश को क्लॉज बोलते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, ये सेंटेंस ये देखना। अभी बोला था ना, क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, फ्रेज के पास तो सब्जेक्ट वर्ब होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए तो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। बट क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन कभी कभी ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है, कभी नहीं भी दे सकता है।
ये सेंटेंस देखना, ये पूरा वाक्य दो क्लॉज से बना, ये एक सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। यहां देखो, ये एक सब्जेक्ट है और वुड कम क्या है, वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। ये पूरा एक वाक्य, यहां से लेकर यहां तक एक पूरा वाक्य है, और ये वाक्य दो क्लॉज से बना है। अब हम देखते हैं कि कौन का सा क्लॉज डिपेंडेंट है और कौन सा क्लॉज इंडिपेंडेंट। पूरा बता रही हूँ, अगेन यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। यहाँ भी एक सब्जेक्ट है और यहाँ भी एक वर्ब है, ये मिलके क्लॉज। अब हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है और कहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, लेट अस सी कहाँ डिपेंडेंट है और कहाँ पे इंडिपेंडेंट। देखो, अगर मैं इतना लिख के सिर्फ छोड़ दूँ, अगर मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ दूँ, इफ ही कम्स और फुल स्टॉप डाल दूँ, इतना लिख के छोड़ दूँ, डोंट यू फील कि दिस सेंटेंस साउंड्स इनकम्प्लीट। इफ ही कम्स, अगर वो आता है, अगर वो आता है बोल के छोड़ दूँ तो लग रहा है ना कि कुछ गड़बड़ है, आगे कुछ चाहिए, इस क्लॉज को किसी दूसरे क्लॉज का हेल्प चाहिए इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए। ओके, दिस इज मेकिंग एन इनकम्प्लीट सेंस, दिस क्लॉज needs the help of some other clause to give a meaningful sense. Okay, ये incomplete लग रहा है, ये incomplete लग रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ if he comes बोल के छोड़ दोगे, incomplete लग रहा है, तो ये क्या है, dependent clause है, dependent, dependent clause का मतलब क्या है कि इसको किसी ना किसी दूसरे clause के सहारे की ज़रूरत है। बट मैं अगर इतना लिख के छोड़ दूँ, ठीक है, मैं अगर इतना लिख के छोड़ दूँ ना कि आई विल गो, तो ये इसका तो मीनिंगफुल सेंस आ रहा है, मैं जाऊँगा, तो ये कैसा क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट है, ये आज़ाद है, इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज़ अ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज और दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, और ऊपर वाला सेंटेंस देखो, ही सेड भी मैंने बोला तुमसे ये एक बात उसने शेयर की थी, तो आप बोलोगे यस यस मैम, ही सेड, उसने कहा था मुझे, तो यहाँ ये कंप्लीट है, ठीक है। अब क्या कहा था नहीं कहा था वो अलग बात है, ही सेड, उसने कहा, सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, तो ये हमारा कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट है। अगर मैं यहां तक भी इसको बोलती हूँ ना, फिर भी सेंस दे रहा, और मैंने लिखा ही वुड कम, वो आएगा, सॉरी ये इंडिपेंडेंट है, सॉरी ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ही वुड कम ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो कभी कभी हमारे वाक्य में दो इंडिपेंडेंट आ सकता है, कभी कभी हमारे वाक्य में एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन वाक्य में ना दो डिपेंडेंट नहीं आएगा। अगर दो डिपेंडेंट आ गया तब तो वो मीनिंगफुल सेंस देगा ही नहीं, या तो दोनों इंडिपेंडेंट हो, या तो एक डिपेंडेंट हो और दूसरा इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, दूसरा डिपेंडेंट हो। ओके, तो चलो ये तो समझ में आ गया ना, देख रहे हो क्लॉज, क्लॉज यहाँ, ये भी यहाँ, यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन था, यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन था, और जहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आएगा तो मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए था ना, बट यहाँ नहीं दे रहा है, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है, इसलिए ये नो मीनिंगफुल सेंस, ठीक है, यहाँ पे कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहा है। बट ये तो इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। और कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन है ज़रा बताना, कौन सा कंजंक्शन है यहाँ पे कंजंक्शन का, लास्ट वाले सेंटेंस में मैंने एग्जांपल दिया था, वहाँ कंजंक्शन ने दो फ्रेज को जोड़ा था, आई विल मीट यू एट होम और एट ऑफिस, एट होम और एट ऑफिस को कंजंक्शन ने जोड़ा था। बट यहाँ पे कंजंक्शन किसको जोड़ रहा, क्लॉज को, देखो ये कंजंक्शन है डैट, तो कंजंक्शन का एक यहाँ पे क्लॉज को जोड़ रहा, कंजंक्शन का काम क्लॉज को भी जोड़ना होता है, क्लॉज को भी जोड़ता है। और नीचे भी देखो, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, इफ, तो इफ ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। तो इस स्टेप में मुझे आपको बताना था कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल सेंस देता है, डिपेंडेंट मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, और कंजंक्शन क्लॉज को भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है, क्लॉज को भी जोड़ने का काम करता है। चलो इसी बात पे बता दो, क्लियर है, आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ा जाए,
सब कवर हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा। ये सब ना कमेंट बॉक्स बंद रखो। मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप कमेंट्स दे रहे हो कमेंट्स दे रहे हो, अभी देखो कल मैंने अजय का इंटरव्यू लिया था, अजय और क्या थे, केशव थे, जीरो भैया और केशव भैया का कल इंटरव्यू लिया था। ये सब मेरे अनअकैडमी के एकदम रेगुलर स्टूडेंट्स थे, एकदम रेगुलर स्टूडेंट्स थे। और आज मुझे एक मैसेज मेरी टीम ने दिया कि अजय भैया के, जीरो के फादर का भी मैसेज आया था कि मैम शुरू में जब ये अजय क्लास करता था ना, तो कुछ कुछ कमेंट्स करता था, आप आंसर नहीं करते थे, तो उनको लगता था कि ये टीचर तो आंसर नहीं कर रहे हैं, ये टीचर का क्या मतलब, क्या एक्सप्लेन करेंगे। फिर जीरो ने पापा को अपना समझाया कि मैम कभी भी पढ़ाते वक्त कमेंट का आंसर नहीं करती है, और वो भी अननेसेसरी। कमेंट बॉक्स को मैम ऑफ नहीं रखती है, ऑन रखती है। और एक साइड से ना मुझे जो पढ़ाई से रिलेटेड जो डाउट्स दिखते हैं उसको मैं आंसर करते जाती हूँ, ठीक है। अननेसेसरी कमेंट्स को इग्नोर कर देते, मेरे को वो कैब नहीं याद हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, वो सब नहीं करती थी मैं। तो फिर फादर को उन्होंने समझाया, जो मुझे जेन्युइन, मैं कमेंट बॉक्स ऑफ फिर ऑन इसलिए रखती हूँ ना, चाहूँ तो मैं ऑफ भी कर दूँ, बस साइड में डाउट्स देखने के लिए। तो व्हाट आई वांट ना कि पढ़ते वक्त नहीं करो, सीपीओ हो जाएगा। अरे सीपीओ तो तभी होगा ना जब आप पढ़ोगे, ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कमेंट बॉक्स को थोड़ा शांत रहने दीजिए, जब मैं कुछ पूछूँ तब आप बताना। हाँ मैं कमेंट बॉक्स को ऑफ कर सकती हूँ, अब मैं आराम से ऑफ कर सकती हूँ अपनी शांति के लिए, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स के ना कुछ अच्छे अच्छे डाउट्स आ जाते हैं पढ़ाते वक्त, मैं उस डाउट्स को देखते रहती, क्योंकि उस डाउट से ना मेरा इंप्रूवमेंट होता है। उस डाउट को देखने से मेरे को लगता है ना कि बच्चे के दिमाग में ये सब भी डाउट आ सकता है। तो उससे क्या होता है ना, बच्चों का कहना होता है कि मैम आपको कैसे पता चल जाता है कि हमारे मन में ये डाउट है, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रही हूँ, आप लोग जो पूछते हो ना तो उससे टीचर का एक्सपीरियंस बढ़ता है, इसीलिए मैं डाउट बॉक्स ऑन करके रखती हूँ, यहाँ पे मत पूछो कुछ भी। चलो हो गया फ्रेज, ये सब ना इतना भारी भरकम डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो स्लाइड बनाने के लिए बस मैं ले आती हूँ। नोट्स बनाने के लिए एकदम क्रिस्प रखो, फ्रेज सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, ठीक है, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। और क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है, बट कभी कभी ये मे और मे नॉट, ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं भी दे सकता। और आपको पता चल गया कब देता है, अगर इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये मीनिंगफुल सेंस देगा। बट ये तो बेचारा बेसहारा है, किसी पे निर्भर है, तो ये कहाँ से अपने आप में मीनिंगफुल सेंस देगा, इसको तो किसी की हेल्प चाहिए मीनिंगफुल सेंस देने के लिए। ओके ये हो गया, ये पढ़ा दिया मैंने आपको, इट हैज़, और सेंटेंस तो बता ही दिया, पूरा एक सेंटेंस होता है, उसी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस देख लो, ये कंजंक्शन है। तो यहाँ कंजंक्शन का काम क्या है, जोड़ रहा है ना, एट ऑफिस, सिर्फ ऑफिस नहीं है, ऑफिस होता तो मैं वर्ड बोलती, बट एट ऑफिस दो वर्ड है, और दो या दो से वर्ड ज़्यादा वर्ड को हम फ्रेज बोलते हैं। देखो ये एक फ्रेज है, और एट होम ये भी एक फ्रेज है, और इन दोनों फ्रेज को कौन जोड़ रहा है, कंजंक्शन। तो ऑल ओवर हियर इज अ कंजंक्शन, एज ही वॉज इल He could not attend office. चलो बताओ ये क्या है, एक क्लॉज है सब्जेक्ट, और ये क्या है वर्ब, एक क्लॉज है, और ये कैसा वाला क्लॉज है, ये कैसा वाला क्लॉज है, डिपेंडेंट है ना, एज ही वॉज इल बोलूंगी तो अधूरा लग रहा है, ये डिपेंडेंट है। और ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस, ही सब्जेक्ट है, कुड नॉट अटेंड वर्ब है, तो यहाँ पे दो क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, दोनों क्लॉज को कौन सा जोड़ रहा है, इन दोनों एज जोड़ रहा है, एज, ये देखो मैंने ऐसा लिखा, ही वॉज इल, एक वाक्य ये है, और ही कुड नॉट कम, ये दो अलग अलग वाक्य है, ठीक है, ये दो फुल स्टॉप आ गया ना, ये दो अलग अलग वाक्य है, और मुझे इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, तो मैं वाक्य को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का सहारा लूंगी ना, तो मैं ऐसा भी कर सकती थी, सिंस ही वॉज इल, देखो ये दो अलग अलग वाक्य है ना, एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है मैम आपको कैसे पता चल गया कि एज कंजंक्शन है, अभी बताती हूँ, कुछ चीज पता करना है, सिंस ही वॉज इल ही कुड नॉट कम, ये मैंने ऊपर के दो सेंटेंस को जोड़ के एक बना दिया, किसका सहारा लिया, सिंस का, तो सिंस भी कंजंक्शन है, मैं सिंस की जगह एज भी लगा सकती हूँ, क्योंकि इसी चीज को मैं अभी डील करने वाली हूँ कि कौन कौन सा कंजंक्शन ना
कारण बताता है, कौन कौन सा कंजंक्शन कंडीशन के लिए यूज़ होता है। तो ये कंजंक्शन, अभी तो हम लोग अपने हेलीपैड, अभी जस्ट एयरपोर्ट पहुँचे, ठीक है, अभी चेक इन वगैरह करवा रहे हैं, अभी तो हमने उड़ान भरी भी नहीं, अभी तो मुझे बेसिक बताना है, प्लेन उड़ने से पहले ना एक बार बेसिक वगैरह क्लियर हो जाए। ओके आपकी वजह से मेरा वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया, वेरी गुड। मेरी वजह से नहीं हुआ है मेरी वजह से नहीं हुआ, आप ही की वजह से हुआ है। ओके तो यहाँ हमारा कंजंक्शन जो एज है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा है। अब देख लो यहाँ भी क्लॉज क्लॉज से जुड़ रहा है। ही सेड सब्जेक्ट वर्ब, दोनों इंडिपेंडेंट है। ये देखो ही सेड सब्जेक्ट वर्ब और दो क्लॉज है, उसने कहा कि, ये जो की है ना जोड़ रहा है दोनों को, तो यहाँ कंजंक्शन। अनलेस यू विल वर्क यू विल नॉट सक्सीड, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सक्सीड नहीं होगे। तो क्या होगा, अनलेस कंजंक्शन है, अनलेस ही तो जोड़ रहा है, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब है, ये कैसा वाला क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, और ये आने वाला सब्जेक्ट वर्ब ये इंडिपेंडेंट है, और इन दोनों क्लॉज को अनलेस जोड़ रहा है। जब तक सफल नहीं होगे ना, जब तक मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं हो। ओके चलिए नेक्स्ट, अभी तो हम बेसिक ही कर रहे हैं। अब देखो, अब हम अपनी उड़ान भरेंगे, अब अपने कमेंट्स वगैरह एकदम ऑफ रखोगे। ये जो मैं इस बार कंजंक्शन आपको पढ़ा रही हूँ ना, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एकदम एग्जाम टारगेट करते हुए। सिर्फ नोट्स बनाने वाला कंजंक्शन अलग होता है और एग्जाम को टारगेट करने वाले कंजंक्शंस अलग होते हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली लास्ट फ्यू ईयर्स में पेपर में आपको बार बार ये सब कंजंक्शन देखने को मिलता है। अब हम चलेंगे यूजेस ऑफ कंजंक्शंस पे, ठीक है। यूजेस ऑफ कंजंक्शंस में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कंजंक्शन का यूज कैसे कैसे होता है, कौन सा कंजंक्शन कारण बताता है, कौन सा कंजंक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, कौन सा कंजंक्शन हम कंडीशन बताने के लिए यूज करते हैं। और एक चीज बहुत जरूरी है कि अभी हम जो कंजंक्शन पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश को मैथ्स की तरह पढ़ना है, ओके, मतलब बहुत टेक्निकल टाइप ऑफ स्टडी करना है, चीज़ों को कंबाइन, मतलब कंपेयर कर करके। जब भी आप चीज़ों को कंपेयर कर करके पढ़ोगे ना, आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी लगता है ना, कभी कभी ऐसा लगेगा, अरे मैम बिकॉज भी तो कारण बताता है, और बिकॉज ऑफ भी तो कारण बताता है, और ड्यू टू भी तो कारण बताता है, और ओइंग टू भी तो कारण बताता है, तो क्या डिफरेंस है। अगर सपोज बिकॉज भी आ गया और बिकॉज ऑफ भी आ गया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, बस एक ही डिफरेंस है, दोनों कारण बताता है, बट डिफरेंस क्या है कि ये जो बिकॉज है ये कंजंक्शन का काम करता है, और जो बिकॉज ऑफ है ये प्रेपोजिशन का काम करता है। तो सिंस इसको मैं प्रेपोजिशन नहीं बोलूंगी, दो वर्ड से बना हुआ है, तो इसको मैं प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलूंगी, ठीक है, ऑल दीज आर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। तो वॉट वी विल बी डूइंग ना, हम कंजंक्शन तो बहुत टेक्निकल वे में पढ़ेंगे, बट साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे जो आपको क्लोस्टर्स में बहुत परेशान करता है कि मैम दोनों तो एक ही चीज़ बता रहा है, बट कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कंजंक्शन का लगेगा और कहाँ पे प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ऑल्दो वाला सेंटेंस एडवर्सेटिव होता है, कॉन्ट्रेरी होता है, मतलब विरोधाभास होता है। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। और फिर मैं बोलूँगी इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम ऑल्दो का भी तो वही मतलब है, ऑल्दो भी तो विरोधाभास में यूज़ होता है, कॉन्ट्रेरी वाला सेंटेंस में, और इन स्पाइट भी तो उसी में यूज़ होता है, इन स्पाइट ऑफ, क्या डिफरेंस है। आपको देखना है कि ऑल्दो कंजंक्शन है और इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, और सेंटेंस देख के आपको डिसाइड करना है ना कि वहाँ पे आपको प्रेपोजिशन की ज़रूरत है या कंजंक्शन की ज़रूरत। एक छोटा सा आपको सेंटेंस दे रही हूँ, देखो जो चीज़ मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ ना, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने बोला ऑल दो या इन स्पाइट ऑफ ही वर्कड हार्ड, आपको अभी समझ में आएगा ना कि मैम ने इतना डिटेल में क्लॉज और फ्रेज सब क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये उसी का खेल है यहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, और एक सेंटेंस दिया इन स्पाइट ऑफ या ऑल्दो वर्किंग हार्ड
ही फेल्ड। दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है, कड़ी मेहनत के बावजूद भी ना बेचारा फेल हो गया। ये सेंटेंस कॉन्ट्रेरी जा रहा है, विरोधाभास जा रहा है, ठीक है। सेंटेंस इज गोइंग कॉन्ट्राडिक्ट्री। ही वर्कड हार्ड क्या है? ही वर्कड हार्ड मतलब पॉजिटिव है और बेचारा फेल हो गया नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ भी कड़ी मेहनत के बावजूद भी बेचारा फेल हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन जा रहा है, और इन स्पाइट ऑफ कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की फेल हो गया, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। बट आपको डिसाइड करना है कि क्या डिफरेंट, मतलब क्या लगेगा। ये ऑल दो कंजंक्शन है और इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। दिस इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज और दिस इज अ कंजंक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड वॉट शुड बी द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ यूज स्पीच दैट यू हैव टू यूज इन द सेंटेंस। जस्ट सी द सेंटेंस, वॉट इज दिस, दिस इज सब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज अ सब्जेक्ट और दिस इज अ वर्ब, ठीक है। एंड वी हैव अ कॉमा ओवर हियर, अगेन दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज अ वर्ब। एंड वॉट डज दिस सब्जेक्ट वर्ब मेक? दिस सब्जेक्ट वर्ब मेक्स अ क्लॉज, और हियर ऑल्सो वी हैव वन क्लॉज, हियर ऑल्सो वी हैव वन क्लॉज, एंड इन ऑर्डर टू ज्वाइन टू क्लॉजेज वी नीड अ कंजंक्शन। सो दिस इज ऑल, जब भी क्लॉज आ गया ना तो कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन, ओके। And what about the next sentence? What is working over here? यहाँ तो एक ही clause है ना, बस subject और verb है, दूसरा तो कोई clause दिख ही नहीं रहा है। What is working over here? Verb का ing form. What is working? Yes, according to the context, you have to decide whether you need an adjective or you need a conjunction. Irrespective of the fact कि both in spite of and conjunction, they denote, they are used in contradictory sentences. हाँ, यहाँ पे देख लो, वर्किंग लगा है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग, ये जो वर्किंग है ना नाउन है। अब मुझे बोलोगे कि मैम हमने तो किसी भी वर्ड में आईएनजी लगा है उसको वर्ब समझा था। वर्ब तब समझोगे ना जब आईएनजी के पहले कुछ इज, एम, आर, वाज, वर लगाओ। ही इज गोइंग, ही इज रीडिंग, ही वाज प्लेइंग। आईएनजी के पहले कुछ इज, एम, आर लगा है ना, तब हम जनरली उसको वर्ब मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, यहाँ का इसको हम बोलते हैं जीरेंड, ठीक है। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम करता है, इसको जीरेंड बोलते हैं। और ये नाउन है और नाउन के साथ प्रेपोजिशन चाहिए, तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद, अब आप बोलोगे कि मैम प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नाउन ही क्यों चाहिए? क्योंकि प्रेपोजिशन के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन चाहिए, हाँ नाउन है इसलिए हमने प्रेपोजिशन लगा दिया, ओके, ठीक है। तो ऐसे ही वाला चीज अभी मैं आपको करवाने वाली, ठीक है। कोई भी, देखो कोई भी अगर आपको क्वेरी करना है ना, कोई भी क्वेरी करना है, इस नंबर पे कॉल करना, यहां नहीं, 99, आपको सब बता देंगे, 99 583 583 24 है ना, हाँ। एक दिन मैंने नहीं आई, सब नंबर भूल गई, इस नंबर पे सौरभ जी आपको सब बता दें। तो अभी हम वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है, कि कहाँ प्रेपोजिशंस की ज़रूरत है और कहाँ कंजंक्शन की। तो आज हम वो सारे, देखो आप लोग ना, मैं कमेंट्स देखती हूँ लेकिन मैंने सोच लिया कि अब इग्नोर करना है। मैंने जब फर्स्ट दिन ये बैच स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको ये लाइन बोला था कि मैं रहूं या ना रहूं, ये बैच हमेशा यूट्यूब पे आपके लिए रहेगा। तो अगर आप लोग हड़बड़ाओगे ना, एक तो आप लोग की आत्मा बहुत लेट से जागती है, जब एग्जाम्स का 2 महीना 1 महीना आने वाला होता है ना, तब आप कोर्स खरीदना शुरू कर देते हो। तो आप सोचो ना कि उन बच्चों का क्या जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त हो गए हैं इंग्लिश में। तो हड़बड़ाना नहीं, अगर हड़बड़ाओगे ना तो ये बैच फिर ए टू जेड सीरीज, मतलब कंप्लीट ए टू जेड नहीं होगा, हड़बड़ी में हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके बताओ कि सही बोल रही हूँ ना मैं। हड़बड़ाओगे तो फिर तो वही बात हो जाएगी कि एक मैंने जिसको हड़बड़ी है ना, हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, जिसको हड़बड़ी है, जैसे कल मैंने केशव और उसका इंटरव्यू लिया था, तो उसने बोला था कि मैम जिसको लास्ट मोमेंट में जल्दी जल्दी रिवाइज करना है ना, उसको 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लेना चाहिए। तो जिसका एग्जाम पास आ गया है तो वो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर को पढ़ो ना। ये बैच मुझे अच्छे से पढ़ाने दीजिए ताकि कोई बच्चा मुझसे पूछे कि मुझे बेसिक करना है तो मैं बता दूँ। हड़बड़ाना नहीं है, मुझे पढ़ाने दो आराम से।
और जिन बच्चों को मैं समझ सकती हूँ, जब एग्जाम्स का प्रेशर आता है तो लगता है ना जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले, तो जिन बच्चों का एग्जाम बहुत पास आ गया, आपके लिए तो मैंने एक और बैच रखा है, एक बैच है ना 6, आप मेरे चैनल पे जाना, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर टाइप करना, उसका मैराथन देख लो, उसका मैर जिसको हड़बड़ी है, ठीक है, हड़बड़ी है वो ये देख लेंगे, ठीक है, हड़बड़ी में, बाकी डिटेल में पढ़ो आराम से। हाँ, अब मैं आपको कुछ कंजंक्शंस बता देती हूँ जो आपको याद, मतलब पता होना चाहिए, जो एडवर्सेटिव होता है। एडवर्सेटिव का मतलब क्या? एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। ओके, ऐसे कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट बताता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है एक पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव है तो बाद वाला, मतलब पहला नेगेटिव है तो बाद वाला पॉजिटिव, विरोधाभास जाएगा। तो आप नोट कर लेना कुछ ऐसे कंजंक्शंस जो विरोधाभास जाते हैं, जैसे बट, उसने कड़ी मेहनत की बट फेल हो गया, बट, तो बट वाला, ये सारे कंजंक्शन का या तो क्लिक कर लो या तो क्लिक कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हैप्पी गणेश पूजा, वो तो हो गया ना, अब लास्ट में होगा। और जिसको रीजनिंग पढ़ना है, आप लोग तो मेरे साथ इंग्लिश के लिए हो ही, और जिसको जिसको जीएस पढ़ना है, जिसको रीजनिंग पढ़ना है, जिसको मैथ्स पढ़ना है, जिसको हो सकता है कुछ मैं इंग्लिश का ना कवर करूं, जो मेरे इंग्लिश वाले टीचर इस चैनल पे कवर कर दे, ठीक है, जिसको इंग्लिश पढ़ना है तो मेरा एक चैनल है यूसी लाइव, फटाफट फटाफट जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जीएस के लिए आपको टीचर मिलेंगे, रीजनिंग के लिए है, मैथ्स के लिए है, इंग्लिश के लिए है, यूसी लाइव जाओगे उसको सब्सक्राइब कर लो। एक बोल रहे हैं ना मैडम जी आप रीजनिंग कब पढ़ाओगे, तो पढ़ लेना वहां से रीजनिंग, पहले आप इसको नोट करो। हिंदी बताइए, एग्जाम में आएगा ना, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द हिंदी अर्थ ऑफ येट, व्हाट इज द हिंदी ऑफ वाइल, मैं सब बता रही, सब बता रही। रिस्पेक्टेड मैम रीजनिंग कब पढ़ाओगे, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट इस चैनल पे चले जाना। चलो हिंदी बता दे रही, सबका हिंदी बता रही। बट का तो मतलब पता है ना, ऐसा नहीं पूछना है, लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु परंतु होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। यट, यट का दो मतलब होता है, अच्छा नहीं, बट का दो मतलब होता है, एक बट का मतलब होता है लेकिन, और एक बट का मतलब होता है के सिवाय, जहाँ जहाँ बट के सिवाय के सेंस में है वहाँ का बट प्रेपोजिशन है। क्योंकि आप बोलोगे ना कि मैम आपने तो बोला था बट वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है, लेकिन मैंने एक जगह देखा वहाँ विरोधाभास नहीं था, जब के सिवाय का सेंस आ रहा है, ठीक है। येट कहाँ कहाँ से, येट का भी दो मतलब होता है, एक उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया, पर या लेकिन, ये भी लेकिन के सेंस में ही, लेकिन किंतु परंतु, और एक येट का मतलब होता है अब तक, अब तक। ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया भाई, ये तो बहुत मुझे फंसा दिया हिंदी कर करके, कितनी की मैं हिंदी लिखूं। ओके, कितनी की हिंदी लिखवाओगे मुझसे, चलो लिखो वाइल, कहाँ लिखो, वाइल का दो मतलब होता है, ठीक है, वाइल का दो मतलब होता है, एक वाइल का मतलब होता है दौरान और एक वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि, ये सब बताना होगा क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान ना फंसने वाले। लिख लिया है, वेरैज, वेरैज का मतलब भी होता है जबकि, ऐसा नहीं चलेगा हिंदी आप करते रहना, ये गलत बात है, ऐसे ऐसे हिंदी लिखवाओगे हो गया छुट्टी, ये तो हो गई छुट्टी, ये मेरे को ट्रैप में फंसा रहे हैं ताकि मैम टाइम दे दें लिखने का। दो और ऑल दो सेम है, देखो बस मुझे बताना था ना, ये देखो एक दो चीज बता दूं आपको, नथिंग नथिंग बट बुक्स वॉज या वर अवेलेबल। अब आराम से का मतलब ये नहीं है ना, आराम से का मतलब ये नहीं है कि मैम आराम से पढ़ाते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा स्पीड लेना होगा। और फिर मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, बोलोगे कितना फेल करवाओगे मैम, सब सेंटेंस में फेल करवा रहे हैं।
फिर मैंने लिखा ही हैज नॉट कम येट, फिर लिखा ही वर्कड हार्ड, क्या ही स्टार्टेड लेट, फेल बहुत करवा दिया, ही स्टार्टेड लेट येट ही डिडेंट रीच ऑन टाइम, उसने वो जल्दी स्टार्ट किया फिर भी टाइम से नहीं पहुंचा। ओके हाँ रहने दीजिए, सही बोला है, बस थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, समझ जाओगे। चलो पहले मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ना, मुझे थोड़ा सा प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का डिफरेंस बता देना, आगे आगे मेरा काम और आसान हो जाए। यहाँ का बट जो है ना, नथिंग बट कुछ बुक्स अवेलेबल थे, मतलब नथिंग बट, यहाँ बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु नहीं है, यहाँ बट का मतलब है के सिवाय, जिसको इंग्लिश में एक्सेप्ट बोलते हैं। एक बट का मतलब एक्सेप्ट भी जाता है। हाँ ओके और यहाँ बट का मतलब हो रहा है लेकिन किंतु परंतु, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ का बट कंजंक्शन है ना, कैसे पता चला कंजंक्शन है? ही सब्जेक्ट है और वर्कड वर्ब है, और देखो कंजंक्शन के बाद ये भी सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिल के क्लॉज बना रहा है और क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ रहा है। बट यहाँ का बट किसी चीज़ को जोड़ थोड़ी रहा है, ठीक है? यहाँ का बट क्या है? यहाँ का बट प्रेपोजिशन है, कुछ जोड़ नहीं रहा है। यहाँ पे दो क्लॉज वगैरह कुछ नहीं है कि दोनों को जोड़ रहा है। यहाँ का बट कंजंक्शन है, सॉरी प्रेपोजिशन है। बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था। अब मुझे बताओ कि वॉज होगा या वर होगा? यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब का एरर इसलिए ले लिया क्योंकि एग्जाम्स में आता है। क्यों मतलब वॉज होगा या वर होगा? क्या है? अच्छा स्ट्रेंज बोल रहे हैं कि मैम वर होगा, बट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें ना सब्जेक्ट वर्ब पढ़ते समय हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, और हमें हिंदी ट्रांसलेशन नहीं देखना होगा, हमें तो लॉजिकली ग्रामर देख के, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के वर्ब लगाना है ना। हिंदी करोगे तो बुक्स के सिवाय कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, मतलब प्रेजेंट क्या था? प्रेजेंट बुक था, ठीक है? तो आप वर लगा दोगे बट आंसर वॉज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का बट कंजंक्शन नहीं है, यहाँ का बट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला जो आता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब लगाते समय ना हमें सब्जेक्ट को देखना, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो इट इज वॉज। और सेशन अच्छा लग रहा है लाइक भी कर देना, गलत बात है, सेशंस को लाइक वगैरह नहीं करते हो, गिव अ थम्स अप, सिर्फ ये करवा दो मैम वो करवा दो, सेशंस को लाइक भी कर देना है। यस ट्रांसलेशन नहीं देखना। चलो यहाँ का पता तो चल गया ना, अभी मैंने बताया कि बट का दो मतलब होता है। अगर मैं सिंपल बता के चली जाऊँ ना कि बट वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है, एक पॉजिटिव जाएगा एक नेगेटिव जाएगा, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव नहीं जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ का बट कंजंक्शन नहीं था, यहाँ का बट प्रेपोजिशन था और उसका मतलब के सिवाय के सेंस में था, बट यहाँ का बट इज अ कंजंक्शन। तो याद रखना है कि ये सारा वर्ड्स कॉन्ट्रडिक्शन विरोधाभास में तब यूज होगा ना जब वाक्य में ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओके यू हैव टू टेक दिस इनटू माइंड, जब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है? और अगेन यहाँ का बट देखो, उसने कड़ी मेहनत, यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा, कड़ी मेहनत की पॉजिटिव और फेल हो गया नेगेटिव, विरोधाभास जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, एक पॉजिटिव जा रहा है। ही हैज अब मैंने बोला कि देखो येट वाला सेंटेंस भी ना कॉन्ट्रडिक्शन में जाएगा, बट याद रखना है येट वाला सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन में तब जाएगा जब येट कंजंक्शन है और उसका मतलब फिर भी के सेंस में है, कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया, लेकिन फेल हो गया। तो आप मुझे बताओ कि ऊपर वाला येट, सॉरी कहाँ चलिए, कहाँ चला गया मेरा, ये वाला येट क्या है जरा बताना मेरे को, क्या है ये वाला,
ही हैज़ नॉट कम येट, नहीं यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है क्योंकि प्रेपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अच्छा ये येट क्या है, ये येट किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ येट का मतलब है अब तक, टाइम बता रहा है वो अब तक नहीं आया, लेकिन यहाँ येट का मतलब है फिर भी, वो कड़ी मेहनत किया फिर भी फेल हो। यहाँ तो पता चल गया कंजंक्शन है, देखो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है और यहाँ भी एक क्लॉज है और दोनों क्लॉज को येट जोड़ रहा है, तो येट यहाँ कंजंक्शन है। और येट अगर कंजंक्शन का काम करे ना तो कॉन्ट्राडिक्ट्री जाएगा, कड़ी मेहनत की पॉजिटिव मतलब सॉरी उसने लेट से स्टार्ट किया नेगेटिव बट फिर भी टाइम से पहुँच गई। अच्छा एक मिनट, आप लोग बता क्यों नहीं रहे थे, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। ही स्टार्टेड लेट, ओके मैंने गलत लिख दिया था, ही स्टार्टेड अर्ली लिखना चाहिए था मुझे, बता क्यों नहीं रहे थे ये सब चुपचाप बैठे हुए हैं? अभी पढ़ा तो मेरा ध्यान आ गया, ही स्टार्टेड अर्ली, चुपचाप बैठ के सिर्फ छापते रहते, बताना चाहिए ना कि मैम ये सेंटेंस विरोधाभास कैसे जा रहा है, उसने लेट से स्टार्ट किया और टाइम पे नहीं पहुंचा, तो ठीक है लेट से स्टार्ट किया टाइम पे नहीं पहुंचेगा, ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं जा रहा था ना, अब जा रहा है, उसने जल्दी स्टार्ट किया, ठीक है उसने जल्दी स्टार्ट किया पॉजिटिव, येट ही डिडेंट रीच ऑन टाइम, ये नेगेटिव है टाइम से नहीं पहुंचा, अब ये विरोधाभास जा रहा है ना, अब ये विरोधाभास जा रहा है। यस ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी स्टार्ट घर से जल्दी स्टार्ट किया बट फिर भी बेचारा टाइम से नहीं पहुंचा, ये विरोधाभास हो गया। और यहाँ येट कंजंक्शन है कॉन्ट्राडिक्ट्री में यूज हो रहा है, और यहाँ का येट ना कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं यूज हो रहा है क्योंकि ये कंजंक्शन नहीं है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं जोड़ रहा, यहाँ का येट एडवर्ब है, एडवर्ब है। आप मुझे पूछोगे कि मैम कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है, वो अब तक नहीं आया कम की विशेषता बता रहा, येट येट अब तक नहीं आया, कम वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता, एडवर्ब एडवर्ब। सब के सब विनोद बन के बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन है ये विनोद जो कंजंक्शन से भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। He has not come yet, तो ये सब है, चलो ठीक है। Whereas का मतलब भी अब हिंदी नहीं लिखूंगी, Whereas का मतलब भी है हिंदी, हिंदी नहीं, Whereas का मतलब भी है जबकि, लिखते जाओ, however, हालांकि, still, फिर भी, nevertheless, फिर भी, nonetheless का मतलब भी है फिर भी, although और though, यद्यपि, notwithstanding का मतलब होता है के बावजूद, in spite of, हिंदी में लिख लो के बावजूद, even if, इवन दो, फिर भी, ये सारे कॉन्ट्राडिक्ट्री वाला कंजंक्शन, सारा कॉन्ट्राडिक्ट्री। येट का यूज परफेक्ट में होता है, येट का यूज परफेक्ट में तब होगा ना, पढ़ाया है प्लस पे, येट येट का यूज परफेक्ट में तब होगा जब येट टाइम बताएगा तब मैंने परफेक्ट में यूज किया है, बट नीचे वाले सेंटेंस में टाइम थोड़ी बता रहा है येट कि परफेक्ट में यूज करो। ओके चलो मुझे बताओ कि ये सब कॉपी कर लिया है, बाद में कर लेना, मैं इससे रिलेटेड बहुत अच्छा चीज़ आपको बताने वाली हूँ, ठीक है इससे रिलेटेड बहुत अच्छा बताने वाली हूँ, ये आपके स्टेनो एग्जाम के क्लोज टेस्ट में आया था, स्टेनो एग्जाम के क्लोज टेस्ट में आया था, इवन इफ भी था और इवन दो भी था, और बच्चे तो पढ़ के गए थे कि मैम ने तो क्लास में बताया कि इवन इफ भी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ होता है और इवन दो भी तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ होता है और दोनों ऑप्शन में है तो किसको चुनना है, लिख लिया है ना सबने, एक कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मैं 5 बार बता चुकी हूँ, 10 बार, कॉन्ट्राडिक्शन इन हिंदी इज नोन ए विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है वन पार्ट विल गो पॉजिटिव एंड द अदर विल गो नेगेटिव और द फर्स्ट विल गो नेगेटिव एंड द सेकेंड विल गो पॉजिटिव, सो दीज आर कॉन्ट्राडिक्ट्री सेंटेंसेस इन विच यू आर एक्सप्रेसिंग टू ऑपोजिट ओपिनियंस, आई एम यूजिंग हिंदी ऑल्सो, आई एम यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो, ओके तो कॉन्ट्राडिक्ट्री सेंटेंसेज आर द सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्राडिक्ट्री व्यूज टू ऑपोजिट ओपिनियंस, हो गया चलो लिख लिया है ना, नहीं नहीं एज इफ नहीं करेंगे, एज इफ अलग है, अपने से दिमाग नहीं लगाओ, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, जितना मैं आपको बोल रही हूँ दिमाग लगाने के लिए उतना ही लगाना है, इसमें और नहीं जोड़ना है, ओके इतना सफिशियंट है कॉन्ट्राडिक्ट्री के लिए, ओके
कॉन्ट्राडिक्ट्री के लिए सफिशियंट है. नेक्स्ट आ जाओ, देखो कैसे कैसे कॉन्ट्राडिक्ट्री हो रहा है. थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया मैंने. नेवर दी लेस का मतलब है फिर भी. ही विल श्योरली डिनाई, अरे वो तो मना कर देगा, मुझे पता है कि मैं मना कर देगा. नेवर दी लेस ये कंजंक्शन है. कंजंक्शन के बाद देखो, कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज आ रहा है. यहाँ पे एक क्लॉज है, पहले तो प्रूफ करना है ना, पहले तो मुझे प्रूफ करना होगा कि नेवर दी लेस कंजंक्शन कैसे है, क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ रहा है. ही ओवर हियर इज अ सब्जेक्ट, विल श्योरली डिनाई दिस इज अ वर्ब, एंड दिस सब्जेक्ट वर्ब मेक्स अ क्लॉज. अगेन आई एम वेटिंग, दिस इज ऑल्सो अ क्लॉज, एंड दिस टू क्लॉजेज हैव बीन जॉइंड बाई दिस नेवर दी लेस. सो नेवर दी लेस इज अ कंजंक्शन ओवर हियर. एंड नेवर दी लेस इन हिंदी मीन्स फिर भी. ओके, फिर भी. सो दिस सेंटेंस इज कॉन्ट्राडिक्ट्री ना, वो मना करेगा बट फिर भी मैं उसके डिसीजन का वेट करूँगा. फिर भी आई विल वेट फॉर हिम, मुझे पता है मना कर देगा बट फिर भी मे. हाँ, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद. हिंदी स्किप करो, वेरी गुड. इफ यू आर स्टडिंग इंग्लिश ना, तो एवरीथिंग शुड बी इन इंग्लिश. ओके, दे केम लेट बट द टीचर डिडंट से एनीथिंग. देखो बट आ गया, एक तो बच्चा लेट आया, ये तो मेरे जैसे टीचर ही होगा जो माफ़ कर देते हैं बच्चों को. दे केम लेट नेगेटिव है बट बेचारे टीचर ने कुछ नहीं बोला, सोचा कहीं गया होगा घूमने, यही सोच के खुश हो जाएगा ना, चलो कम से कम आ तो गया. लेट आया बट फिर भी टीचर कुछ नहीं बोला, कॉन्ट्राडिक्ट्री. दूसरा, ही इज रिच बट ही इज अ माइजर. देखो बट यहाँ अगेन कॉन्ट्राडिक्ट्री में, वो रिच है अमीर है बट फिर भी कंजूस है, नेगेटिव है. ही डिसीव्ड मी, स्टिल वाला सेंटेंस भी कॉन्ट्राडिक्ट्री में जाता है. स्टिल, स्टिल एक स्टिल का मतलब, एक स्टिल एडजेक्टिव भी होता है, वहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं जाएगा. एक स्टिल का मतलब होता है ना ठहरा हुआ, स्टिल वाटर, द वाटर इज स्टिल. वाटर पानी, तालाब का पानी रुका हुआ ठहरा हुआ होता है. तो यहाँ जो स्टिल है ना, वाटर की विशेषता बता रहा है. वाटर नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव. तो यहाँ स्टिल इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. ओके, आई हाँ, स्टिल विल टेक कॉन्ट्राडिक्ट्री टोन ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन स्ट्रिंग इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन. उसने मुझे धोखा दिया बट फिर भी मैंने उस पर ट्रस्ट किया, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, फेल हो गया. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डाल दिया. अब चलो, अब देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या है. आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ फिर भी. हाउएवर का मतलब भी है फिर भी. फिर भी मैं अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल देता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन है. द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट फिर भी उसको अच्छा नंबर आ गया. तो ऑल दीज कंजंक्शंस आर यूज ना कॉन्ट्राडिक्ट्री टोन में यूज करते हैं. When I started the batch, na, I told ki I'll take only 45 minutes. But kabhi 45 minutes hota nahi hai. Google karo still, phir bhi. Still ka matlab hai phir bhi. Ab isko karke khatam. Aaj hum log sara contradictory wala khatam kar lenge. He loves writing. उसको राइटिंग अच्छा लगता है बट जबकि उसके भाई को रीडिंग अच्छा लगता है. राइटिंग का उल्टा हो जाता है ना रीडिंग, दो अलग अलग चीज़. भाई को ये अच्छा लगता है, उसको ये अच्छा लगता है. वाइल, अच्छा वाइल का दो मतलब होता है. ठीक है, वाइल आई वॉज वर्किंग ही वॉज स्लीपिंग. ठीक है, एक वाइल का मतलब दौरान भी होता है, हो जाता है. हाँ, एक वाइल का मतलब दौरान के सेंस में भी होता है. ही इज़ अ फूल बट फिर भी मेरे को पसंद है. नॉनदिलेस का मतलब भी होता है फिर भी. जैसे मैंने लिखा ना, वाइल ही इज स्मार्ट, हिज ब्रदर इज अ फूल. जबकि वो स्मार्ट है बट उसका भाई बेवकूफ है. तो यहाँ वाइल का मतलब ना जबकि के सेंस में है. जबकि उसने कड़ी मेहनत की बट बेचारा फेल हो गया. और फिर मैंने लिखा ही गॉट हर्ट वाइल ड्राइविंग करने के दौरान उसको चोट लग गया. ओके, यहाँ का वाइल सबसे पहले तो यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आता है, नाउन आता है जीरेंड के रूप में. कंजंक्शन होता तो क्लॉज आता ना. देखो यहाँ का वाइल के पास सब्जेक्ट और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है क्लॉज. इसका मतलब है यहाँ का वाइल जबकि है. जब भी आप जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में भी ना आपका कनेक्टर्स आता है,
ठीक है, जो बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ऐसा टाइप से अगर कंजंक्शन पढ़ के जाते हो तो। बैंकिंग में भी आपका कनेक्टर्स आता है तो आपको देख लेना कनेक्टर्स में, वो यूज़ कनेक्टर्स में यूज़ करते हैं कंजंक्शन का। आपको ना सेंटेंस देख के समझना होता है कि कौन सा कंजंक्शन कारण बता रहा है, कौन सा सेंटेंस को कॉन्ट्रेडिक्ट्री जाना चाहिए और कौन सा सेंटेंस को कॉन्ट्रेडिक्ट्री जाना चाहिए। इसके पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना कि कौन कौन सा कंजंक्शन कॉन्ट्रेडिक्ट्री होता है, तो कनेक्टर्स में काफ़ी हेल्प करने वाला। ओके, यहाँ वाइल टाइम बता रहा है, यहाँ वाइल मतलब ड्राइविंग के दौरान उसको चोट लग गई, बट यहाँ का नहीं बता। ठीक है, रुको रुको अभी। अब इवन दो या ये भी कॉन्ट्रडिक्शन में जाता है। ठीक है, इवन दो भी कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज होता है और इवन इफ भी कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज होता है, दोनों विरोधाभास में यूज होता है। अब आपके दिमाग में आ गया कि दोनों आ जाएगा तो क्या करेंगे मैम, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है। जहाँ पे इफ लग गया ना, इफ का मतलब है अगर, अगर मतलब वो काम अभी हुआ नहीं है, अगर ये होता है तो ऐसा होगा, तो अगर का सेंस आए तो इनकम्प्लीटेड एक्शन है और इवन दो में कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीट एक्शन है। चलो इसको लिखो। नहीं नहीं, ड्यूरिंग विरोधाभास नहीं जाता, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन होता है बट वो विरोधाभास में नहीं जाता है। वन आर हो गया है, सही बोल रहे हैं, अब एंड करूंगी। अरे मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ ना और क्या पढ़ाती हूँ ये तो मुझे पता चलता है जिस दिन बच्चा मेरे पास स्टूडियो आके अपना इंटरव्यू देता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी इन दोनों बच्चों को मैंने बोला था, दिवाली के दिन उन्होंने मुझसे विशेज मांगे थे कि अगला दिवाली आप सरकारी जॉब में रहोगे। बोलने से थोड़ी होता, बच्चे ने हेल्प मेहनत की है, मेहनत की है। चलो बस एंड करूंगी अब। ओके, लिख लिया है, ये आपकी उसमें आया था क्लोज टेस्ट और इसमें स्टेनो का। अनअकैडमी पे ना, अनअकैडमी पे मैं डिसाइड कर रही हूँ। स्टेनो वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा दुख दर्द है, ठीक है, और दुख दर्द है तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना है। चलो नहीं तो वो मुझे ना मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं अपने स्टेनो के साथ नाइंसाफी की, तो मैं अभी कुछ चीज़ें सैटरडे संडे में प्लान कर रही हूँ स्टेनो और सीपीओ के कुछ मॉक से रिलेटेड, जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं करवाऊँ। यूट्यूब पे करवाऊँगी ना तो हम लोग का ये बैच डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं अनअकैडमी के यूट्यूब अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में कुछ प्लान कर रही हूँ, ठीक है, सीपीओ और स्टेनो का मॉक्स वगैरह। चलो अब मुझे बताना, ठीक है, यहाँ पे याद रखो इवन दो में काम हो चुका है, इवन इफ में अगर होता है तो हुआ नहीं। आज आपकी अनअकैडमी यूट्यूब की क्लास नहीं है, फ्राइडे से लूंगी। चलो बताओ, इवन दो या इवन इफ ही लॉस्ट हिज जॉब ही कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस, जॉब का छूट जाने के बावजूद भी ना ऑफिस में सर्व करता रहा, तो चलो ये तो विरोधाभास जा रहा है। बेचारे ऑफिस वाले ने उसको जॉब से निकाल दिया फिर भी ऑफिस में था, विरोधाभास जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्री जा रहा है, और कॉन्ट्राडिक्ट्री के लिए हम दोनों यूज़ करते हैं। आज 1 बजे वाली क्लास नहीं है, नहीं मैं थक गई हूँ आज, मैंने यस कल मेरी पूरे दिन फास्टिंग थी, ठीक है, परसों रात में मैंने जो पानी वानी पिया था ना आज सुबह में पिया, लेकिन अच्छा फील कर रही थी इसलिए मैंने सब क्लासेस लिया। 9:30 बजे वाला आपका वाला, 1 बजे वाला नहीं है, 3:30 बजे वाला है। एक बजे मैं फ्राइडे से 1 बजे वाला कंटिन्यू कर दूंगी। आपका फ्री क्लासेस भी दूसरों के पेड से अच्छा होता है, अरे वो छोड़ो, आप स्टूडेंट का ना यही एक बहुत बड़ा है, कौन टीचर फ्री में क्या पढ़ा रहे हैं, कौन टीचर पेड में क्या पढ़ा रहे हैं, आपको टीचर से क्या मतलब है, आपको ना आपको अपना सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है, कौन क्या पढ़ा रहा है आप बस इससे मतलब का, टीचर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है, अपने सिलेक्शन से। हाँ ये देखो, इवन दो ही लॉस्ट हिज जॉब, बेचारा का जॉब लॉस्ट हो गया, इसका मतलब है जॉब खत्म हो गया, एक्शन इज कंप्लीटेड, कंप्लीट एक्शन है, कंप्लीट एक्शन है उसका जॉब। अगर ऐसा रहता ना, अगर उसका जॉब लॉस, अगर वो जॉब लॉस्ट कर जाता है तो ऐसा होगा, अभी किया नहीं है बट यहाँ तो उसने कर लिया है और कंप्लीटेड एक्शन है, और कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम इवन दो लगाएंगे, इवन दो, इवन दो, इवन दो, यद्यपि उसका जॉब लॉस हो गया फिर भी कर रहा था, फिर भी कर रहा था। Even though he loses his job,
ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस. अगर उसका जॉब छूट भी जाता है ना, वो ही विल कंटिन्यू. विल कंटिन्यू मतलब आगे भी कंटिन्यू करेगा. इवन दो ही लूजेस. अगर उसका जॉब खत्म भी हो जाता, अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर हो जाता है, कंडीशन बता जा रहा है, हो जाने के कंडीशन में, हो जाने के कंडीशन में, चुपचाप घर बैठ के पढ़ाई करो, ज्यादा ऑफलाइन के चक्कर में मत रहो. ठीक है, तो इवन इफ करोगे फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम इफ भी तो कंडीशन बताता है. इफ ही कम्स आई विल गो. इफ भी तो कंडीशन बताता है, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा. बट इफ वाला सेंटेंस ना कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होता है, ये सिर्फ कंडीशन बताता है. अगर वो आता है ना तो मैं जाऊंगा, मैं इसी कंडीशन पे जाऊंगा ना जब वो आएगा. आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स, तब वो जाएगा. ओके, तो इफ सिर्फ कंडीशन बताता है, बट इवन इफ वाला सेंटेंस ना, इवन इफ ही कम्स आई विल नॉट गो, अगर वो आ भी जाता है ना तो मैं नहीं जाऊंगा, तो ये वाला सेंटेंस, इवन इफ वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता, विरोधाभास. यस रानी मैम, एक समुद्र मंथन बैच हो क्या? समुद्र मंथन का बैच हो जाए, वो भी हो जाएगा, देखती हूँ. ठीक है, तो आज ना बस यहीं तक रहने दिया जाए. और मेरे को ना आपको, अच्छा हाँ, ये भी बता देना, चलो ये कल बताऊंगी, एक कॉन्ट्रडिक्शन वाला, ये बहुत टाइम लगने वाला है. ठीक है, और भी बहुत सारा ना प्रेपर, कल मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शन वाला कल भी करवाऊंगी, जहाँ पे आपको बताऊंगी कि कहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, कहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए और कहाँ पे कंजंक्शन चाहिए. ठीक है, आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ. वेयर आर यू फ्रॉम, आपके एग्जाम में आएगा कॉन्ट्रडिक्शन वाला, आपके एग्जाम में आने वाला है क्या? इतना पूछ रहे हो कि आप कहाँ से हो, टीचर कहाँ से है, ये पूछ के बैच लोगे. हाँ, एक आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है. ओके, ये सरप्राइज एक दिन के लिए रुक गया था, फिर कंटिन्यू हो रहा है. जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है ना कि अनअकैडमी पे सरप्राइज चल रहा है, ओके, बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ दिस मंथ है कि अनअकैडमी पे आपको 30% ऑफ मिल रहा है. ठीक है, 30% ऑफ मिल रहा है और ये ऑफर बस आज लास्ट डेट है. ओके, 31st August आज लास्ट है ना, तो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, फटाफट एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत बैच चल रहा है. देखो, मैं तो आपको सही गाइड करूँगी, गलत गाइड तो आपको नहीं करूँगी. और मैं ये भी चाहूँगी ना कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद ना हो, लेकिन और साथ में ये भी चाहूँगी कि आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट हो, आपका बहुत ज़्यादा पैसा ना लगे लेकिन सही जगह पे इन्वेस्ट हो के आपका सिलेक्शन हो जाए. तो एक प्रैक्टिकल बात, किसी को बुरा भी लगेगा, जो समझने वाले हैं समझ भी जाएंगे कि जितना भी पढ़ लो, मैं A to Z वो कैप भी आपको पढ़ा दूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. ठीक है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बहुत रिचुअल से प्रैक्टिस अनअकैडमी के बैचेस पे हो सकते हैं. ठीक है, अभी जैसे 3:30 का बैच चल रहा है, 3:30 का बैच एक बहुत खूबसूरत बैच है. बच्चों, कल मैं छुट्टी पे थी, मैंने क्लास नहीं लिया था, बट बच्चों से प्रॉमिस करवाया था ना कि इवन इफ मैं क्लास ना भी लूँ ना, बट आप समुद्र मंथन रिवाइज करना, सारा चीज़ बताया था. इसमें मैं क्लोस्टेस पढ़ा रही हूँ. ठीक है, ये सब ऐसा चीज़ है ना जो शायद आप अगर समझ सकते हो तो समझ जाओगे कि ये सब ऐसा चीज़ है जो रिचुअल से, ओके, बिना ब्रेक लिए ना, ये सब प्रैक्टिस बैचेस जो डेडिकेटेड होते हैं उसी में हो पाता है. नहीं तो यूट्यूब पे ना क्लोज टेस्ट और PQRS का उतना सीरियसनेस नहीं रहता है. ओके, समझने वाले समझ जाओ. क्लोज टेस्ट है, PQRS है, जिसमें मैं और क्या करवाती हूँ, क्लोज टेस्ट, PQRS, वो कैप चल रहा है इस बैच में 3:30 से 5, एक बहुत खूबसूरत बैच, 1.5-2 लाख बच्चे का व्यूज एवरी डे आ रहा है. द स्टूडेंट्स आर इन्जॉइंग दिस बैच. और इसमें मैंने परसों से इसमें एक और डिश ऐड कर दिया है, फ्रेजल वर्ब भी ऐड कर दिया. फिर बच्चों का डिमांड था कि मैम स्वीट डिश में ना ग्रामर भी रख दीजिए. ठीक है, स्वीट डिश में ग्रामर भी रख दीजिए, तो इसमें मैं ग्रामर की भी प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ, मिसलेनियस वाला. बहुत अच्छा बैच है, तो मैं जो स्टूडेंट्स किसी और टीचर से भी पढ़ चुके हैं, कहीं से भी पढ़ चुके हैं, अपना सिलेबस कर चुके हैं, स्कोर में दिक्कत हो रही है, तो इस बैच को ज्वाइन करिए. कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 2-4 क्लास छूट भी गया है ना तो आपका कोई लॉस होने वाला है. इसमें मैं क्लोज टेस्ट ना बहुत बेसिक से करवा रही हूँ, एकदम MTS सीरीज से,
MTS के इस साल का पेपर लिया है, फिर CHSL है, फिर CGL जाएंगे, तो अनअकैडमी पे आज ऑफर का लास्ट डे है, ठीक है, आज 11:59 रात लास्ट डे है, तो फटाफट आप एडमिशन अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। और एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, इस कोड को यूज़ करना है। और अनअकैडमी पे एडमिशन लोगे ना, तो देखो आपको तो मेंस की भी तैयारी करनी है, तो सबसे बेस्ट तो मेरे हिसाब से 1 ईयर या 2 ईयर का रहता है, जो हमारे जिसका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ ना उसको 2 ईयर का लेना ही है, क्योंकि प्री होगा, मेंस होने में टाइम लगता है, टाइम तो लग ही जाता है, बट 1 ईयर भी बेस्ट है। और आप ये वाला Rani10 कोड यूज़ कर लेना, और इस आज के लिए 10% की जगह 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, 9958385 आपके लिए ये नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस बैच को फटाफट ज्वाइन कर लो, अगर आपको स्कोर चाहिए तो, ठीक है, अगर आप स्कोर चाहिए तो। और जो बिगिनर्स हैं हमारे, जो मेरा ऑलरेडी ये बैच जिसमें मैं अभी वर्ब पढ़ा रही हूँ, कल से मैं नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू करूँगी, ये जो बैच है एक ग्रामर का बैच भी चल रहा है सुबह के 9:30 से। अभी अनअकैडमी पे मेरे दो बैचेस चल रहे हैं, सुबह का 9:30 और आफ्टरनून का 3:30, तो ये ग्रामर का बैच, इसमें मैंने आज मॉडल वर्ब्स ख़त्म किया, कल मैं इसमें एडवांस वर्ब, जीरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल शुरू करने वाली। और ऐसा नहीं है कि दोनों बैचेस में अलग अलग एडमिशन लेना है, कोई एक बैच में भी एडमिशन लेते हो आपको दोनों मिल जाए, ओके। तो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू कन्वे टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है। और बाकी तो इनका सारा है ही टेक्निक, और इनका ये सब तो अनअकैडमी लाइट फेस्टिवल है, ठीक है। नोट्स भी मिलेगा अगर आप उसको लेते हो, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, तो मेक श्योर कि आज एडमिशन ले लेना है, ठीक है, बता दिया है। आप बाद में देखो, देखो मैं यूट्यूब पे ना आके खड़ी नहीं रहूंगी ना, कम ऑन गाइज, सेंटेंस लिख के और मैं साइड हो गई, कम ऑन गाइज राइट द सेंटेंस, बिकॉज वी वोंट बी वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ दिस बैच। बाद में सेंटेंस कॉपी में करना है ना, तो फटाफट नोट कर लेना, ठीक है। मैं जब प्लस पे भी पढ़ाती हूँ ना, प्लस पे भी पढ़ाती हूँ तो उनको बोलती हूँ मेरे साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, फटाफट नोट्स बनाते जाओ, बाद में देख लेना, कोई भी दिक्कत, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो थैंक यू एवरीवन, विल मीट टुमारो। और कल मैं फिर से आपको कॉन्ट्राडिक्ट्री कंजंक्शन करवाऊंगी, जहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ प्रेपोजिशंस भी कॉन्ट्राडिक्ट्री होते हैं, कुछ कंजंक्शंस भी, ठीक है। तो फटाफट एडमिशन ले लेना, 31st आपका लास्ट डेट है। चलो थैंक यू एवरीवन।